नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मित्रों? आज धोरण सात हिंदी अंदर अपने वार्ता विषय भणीशुं। मित्रों आगला पीरियड में अपने वर्षा ऋतुनो निबंध भण्या। मित्रों भाषा में निबंध लेखन आवे, कहानी लेखन आवे, पत्र लेखन पण आवे, एनी साथे साथे व्याकरण पण आवे। तो मित्रों आपणे धोरण सात टेक्स्टबुकना पांच प्रकरण तो भणी चूक्या छीए, तो एनी साथे साथे थोड़ुक कहा लेखन विभाग पण भणीशुं। एमां आपणे जोयुं के अगाउ आपणे वर्षा ऋतुनो निबंध भण्या, हवे परीक्षानी अंदर वार्ताओ पण पूछाय छे कहानी लेखन। तो आजे आपणे सरस मजानी एक कहानी भणीशुं, पण कहानी भणता पहेला ए कहानी विशे थोड़ीक माहिती पण प्राप्त करीशुं। मित्रों आपणे हिंदी विषय भणी रह्या छीए त्यारे जे कंई चर्चा करीशुं ते हिंदीमां ज करीशुं, जेथी करीने आपणने आपणी राष्ट्रभाषा बोलवामां घणो बधो फायदो थाय। तो शुरू करता हूँ मैं कहानी लेखन। आप सब विद्यार्थी मित्रों शांति से ये वीडियो ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे। कहानी क्या है? तो मित्रों कहानी जो बच्चों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, हर कोई बच्चा हो उसे कहानी सुनना बेहद अच्छा लगता है। कहानी अलग अलग प्रकार की होती है, परियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी, भूत प्रेतों की कहानी आदि आदि कहानियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। उनके अंदर एक रचना शक्ति पैदा होती है। कहानी से क्या होती है कि बच्चों के अंदर एक रचना शक्ति, कुछ करने की शक्ति पैदा होती है। यदि उपयुक्त माहौल मिला तो वे भी कहानियाँ लिखने लगती है। अगर बच्चे को ये सब वातावरण सेट हो गया तो वो भी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लेखन भी एक कला है, कहानी ऐसे ऐसे नहीं लिखी जाती, वो भी एक कला है। इसमें जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या संवेदना की आकर्षक अभिव्यक्ति होती है। कहानी में क्या होता है, जीवन की किसी कोई महत्वपूर्ण घटना हो या कोई संवेदनाएँ हो, उस संवेदना या घटना को आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ लिखा जाता है। कहानी लेखन के लिए निरंतर अभ्यास व परिश्रम की जरूरत होती है। कहानी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कंटिन्यू अभ्यास करना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है और कुछ परिश्रम भी करना पड़ता है। अभी हम ये देखेंगे कि कहानी लेखन में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मित्रों कोई भी कहानी लिखने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ दी गई है, उसे ध्यान से उस बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दिए गए शीर्षक, संकेत आदि को ध्यान से समझ लें। कोई भी हमें शीर्षक दिया जाए कि चलो इस शीर्षक के आधार पर आप कहानी लिखो, तो वो शीर्षक दिया गया हो, अगर कोई संकेत दिया गया हो कि संकेत के आधार पर, तो उसे हमें समझ लेना चाहिए कि शीर्षक क्या है और शीर्षक में क्या कहा जाता है। कहानी की भाषा सरल, सुबोध, प्रसंग अनुकूल होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल, सुबोध और प्रसंग अनुकूल। जिस प्रसंग के आधार पर, घटना के आधार पर हम कहानी लिख रहे हैं उसके जैसे ही भाषा होनी चाहिए और एकदम सरल, सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा होनी चाहिए। तीसरा, उसके अनुसार एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। अगर हमें सबसे पहले हमें शीर्षक मिला, अब हम विषय वस्तु तैयार करेंगे और उसकी एक रूपरेखा तैयार करके हम कहानी क्रमानुसार पैराग्राफ के माध्यम से लिखेंगे। कहानी के रोचक आरंभ, मर्मस्पर्शी अंत पर विचार करना चाहिए। तो उसका आरंभ कैसा होना चाहिए, रोचक, और अंत कैसा होना चाहिए, मर्मस्पर्शी। कुछ रहस्यमय बातें का खुलासा जैसे होता है अंत में, ऐसा उसका अंत होना चाहिए और कहानी आरंभ से रोचक होनी चाहिए, यानी कि पढ़ने वाले को कहानी में उत्साह, उसका उत्साह बढ़े, तो उत्साह बढ़े ऐसी रोचक कहानी होनी चाहिए। और अगर आरंभ अच्छा होगा तो उसका अंत भी अच्छा होगा। कहानी की भाषा प्रायः भूतकालिक होनी चाहिए। कैसी होती है, भूतकालिक। कहानी कोई वर्तमान काल में या भविष्य काल में कहानी नहीं लिखी जाती, वो भूतकालिक भाषा होती है। कुछ घटनाएँ आगे
जो बीत गई है उसके बारे में लिख, वो भूतकाल की होती है। कहानी की भाषा कैसी है? वर्तमान समय की कहानी नहीं होती, भविष्य की नहीं होती, वो भूतकालिक भाषाएँ होती है। कहानी की घटना वो पात्रों की भी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी में कौन कौन से पात्र आएंगे और कैसी घटनाएं होगी उसका भी एक उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। कहानी में विचारों और वाक्य की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, विचारों और वाक्यों की आवृत्ति। जो कहानी में विचार है सरल विचार वही इसमें होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तो आज हम एक कहानी लिखते हैं ग्वाला। कहानी का नाम है ग्वाला। सबसे पहले हमने देखा कि कहानी क्या है। तो कहानी सबको पसंद है, खास करके बच्चों को कहानी ज़्यादा पसंद होती है और कहानी से हमें बहुत से मनोरंजन और उसमें से कुछ सीख भी मिलती है। कहानी का तात्पर्य क्या है? मनोरंजन और सीख। इसके माध्यम से हमारे अंदर इसका कुछ असर पड़ता है। तो हमने देखा कहानी का उद्देश्य क्या होता है लिखने का, और हमने उसके नियम भी देखे कि उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और कहानी कैसे लिखनी चाहिए। अब हम एक कहानी लिख रहे हैं ग्वाला नाम की। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ करके कहानी की शुरुआत करेंगे। किसी गांव में रामप्रसाद नाम का एक ग्वाला रहता था। सबसे पहले हमने देखा था किसी गांव में रामप्रसाद नामक एक ग्वाला रहता था। मतलब कि भाषा कैसी होनी चाहिए? भूतकालिक भाषा। कि कोई गांव में एक रामप्रसाद नाम नो एक ग्वाला, ग्वाला मतलब जो गाय भैंसे चराता है वो ग्वाल। किसी गांव में रामप्रसाद नाम का एक ग्वाला रहता था। वह दूध बेचा करता था। वह बेईमान था। वह दूध में पानी मिलाया करता था। उसे कई लोगों ने समझाया कि बेईमानी अच्छी नहीं होती, मगर उसने किसी की भी बात न सुनी और उसी प्रकार दूध में पानी मिलाता रहा। तो यहाँ पैराग्राफ एक हम समाप्त करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हमने एक घटना है, एक गांव की घटना है। गांव में ग्वाला रहता है, वो क्या करता है इसकी बात है। तो एक ग्वाला था, उसका नाम रामप्रसाद था। वह दूध में पानी मिलाया करता था। कई लोगों ने उसे समझाया कि बेईमानी नहीं करनी चाहिए, फिर भी उसने किसी की बात नहीं मानी और पानी मिलाता रहा। अब क्या हुआ? एक दिन वह शहर से दूध बेचकर लौट रहा था। उसकी थैली पैसों से भरी थी। एक दिन क्या हुआ, वो गांव से शहर जाकर दूध बेचता था और लौट रहा था। रास्ते में उसकी पैसे की उसके पास क्या था, जो सारा दूध बेचा उसके बदले में जो पैसा मिला वो एक थैली में उन्होंने भर रखा था और वो पैसों की थैली लेके आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। क्या हुआ, रास्ता में एक नदी थी। उसने मन ही मन विचार किया, आज बहुत गर्मी है, चलो नदी में डुबकी लगा ले। जो रास्ते में नदी पड़ती थी तो गर्मी के मौसम थी, तो ग्वाला को लगा कि आज गर्मी कुछ ज़्यादा है, तो चलो मैं कुछ नहा लूँ, डुबकी लगा लूँ, जैसे कुछ ठंडक प्राप्त कर लूँ। उसने अपने कपड़े उतारे, उपयोग की थैली कपड़ों में ही छिपा कर रख ली और नदी में स्नान करने लगा। क्या किया उसने, अपने कपड़े उतारे और कपड़ों में जो पैसों की थैली थी, रुपये की थैली थी, वो उसमें छुपा दी और रख दी और स्नान करने लगा। नदी के किनारे वृक्ष पर एक बंदर रहता था। नदी के किनारे एक वृक्ष था और उस पर बंदर रहता था। वह नीचे उतरा और ग्वाले के रुपये की थैली उठाकर पुनः पेड़ पर चढ़ गया। क्या किया बंदर ने, जो ग्वाला अपने पैसे की थैली अपने कपड़े में छिपा कर रख कर वो नहाने लगा था, उसको बंदर ने देखा। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और थैली लेकर पुनः वापस पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक एक रुपये को नीचे फेंकना शुरू किया। फिर क्या किया बंदर ने, एक एक पैसा, एक एक रुपया थैली में से निकाल निकाल कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। वह एक रुपया नदी में फेंकता तथा दूसरा रेत पर। और पैसा कैसे फेंकता, एक रुपया नदी में फेंक देता और एक रुपया
रेती में फेंक देता। ग्वाले ने जब यह दृश्य देखा तो चिल्लाया। चिल्लाएगा क्यों नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि उसके सारे उसका सारा पैसे वो बंदर फेंक रहा था, तो वो चिल्लाया। फिर क्या किया, बंदर ने किसी की सुनने वाला था, बंदर किसकी सुनने वाला था, बंदर कोई नहीं सांभड़े न तो बंदरों। उसने रेत पर पड़े रुपये उठाए, क्या क्या सब रेत पर जो पैसे थे वो उठाए, कपड़े पहने और रोता रोता घर पहुंचा। नदी में जो पैसे बंदर ने फेंक दिए थे वो तो वो पास वापस नहीं ला सका, जो रेती में रेत पे जो पैसे थे वो सब रुपये पैसे लेकर वो चला गया अपने घर, कपड़े उपड़े पहनकर घर चला गया, लेकिन रोता रोता गया, क्योंकि उसका आधा पैसा आधा रुपया बंदर ने पानी में फेंक दिया था। उसने मन ही मन सोचा, लगता है आधे पैसे जो नदी में गिर गए वे दूध के नहीं पानी के थे। वो सोचने लगा कि जो आधा पैसा बंदर ने पानी में फेंक दिया वो दूध के नहीं थे, क्योंकि वो पानी मिलाता था, दूध में पानी जितना दूध था उतना ही वो पानी मिलाता था, बेईमानी करके वो पैसे कमाता था। तो जो बेईमानी के जो पैसे थे वो बंदर ने क्या किया, फेंक दिया। कहाँ फेंका, नदी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ईमानदारी की कमाई ही फलदायक होती है, तो हमें भी ईमानदारी पूर्वक जीना चाहिए। जो ग्वाला ने बेईमानी की तो उसका फल उनको मिला, बेईमानी का फल अवश्य मिलता है। पहले हम बेईमानी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम उसके फायदे उठाते हैं, लेकिन एक दिन हमें उसका गैर फायदा जरूर होगा, और जितना भी हमने बेईमानी से कमाया होगा उतना ही हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये सीख हमें भी लेनी है, हमें भी हमारे जीवन में। आप तो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, अभी छोटे हैं, आप भी एक दिन बड़े होंगे, आप भी एक दिन कुछ कमा कर दिखाएंगे, आपको भी कमाना होगा। लेकिन ये कहानी के माध्यम से मैं आपको सीख देता हूँ विद्यार्थी मित्रों, कि आप भी जीवन में कभी भी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई बेईमानी होती है वहाँ कोई हम अपना हिस्सा उसमें नहीं रखेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, बेईमानी में भाग भी नहीं लेंगे, ईमानदारी से जिएंगे, और ईमानदारी की कमाई फलदायक ही होती है, वो आपको सार्थक करना है। तो मित्रों कैसे लगी ये कहानी, ग्वाला की कहानी, आशा है कि आपको भी वो ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप भी ऐसी कहानियाँ बनाएंगे, लिखेंगे और मनोरंजन प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी बेईमान नहीं रहना चाहिए। उसका शीर्षक ग्वाला दिया गया है, लेकिन हमें एक और शीर्षक भी दे सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ईमानदारी का फल बेईमानी का परिणाम, लालच बुरी बला है, बहुत से शीर्षक हम दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी जो परीक्षा में कोई भी कहानी के मुद्दे दिए जाएंगे उसके आधार पर आप भी कहानी लिखेंगे, और अपने टेक्स्ट में लेसन के स्वरूप में, होमवर्क में स्वरूप में मैं आज आपको लेसन में इस कहानी आप जरूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो मित्रों अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ और सब्जेक्ट कुछ और चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, आओ जो बाय बाय।